ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको भाग्यशाली योगों के बारे में जानकारी दूंगा। देखो, वृषभ राशि में गुरु बैठे हुए हैं, विराजमान हैं, और यह शुक्र की राशि है। यहाँ पर गुरु बहुत ही अच्छा योग बना रहे हैं। मेष में मंगल अपनी राशि के बैठे हुए हैं, ये बहुत बड़ा योग है। दोस्तों, यह योग काफ़ी सालों के बाद में बन रहा है ऐसा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। गुरु शुभ, मंगल शुभ, सूर्य, बुध और शुक्र का शुभ सहयोग, साथ ही चंद्रमा भी इसमें आ जाएंगे। चतुर्थ ग्रह योग और शनि अपनी राशि में कुंभ राशि में विराजमान, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 करीबन 7-7 ग्रह एक साथ शुभ स्थिति में, और ये योग बन रहा है कब? ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन, ज्येष्ठ पूर्णमासी के पहले ये योग बन रहा है। ज्येष्ठ पूर्णमासी के बीच आने वाली है, तो बहुत ही अच्छा योग बना हुआ है। अब मैं आपको भाग्यशाली राशियों के बारे में जानकारी दूंगा, जो जो राशियां बेहद ही भाग्यशाली हैं, जिनका योग बहुत ही अच्छा है और आने वाला समय इनके लिए शुभ रहने वाला है। ऐसे योग काफ़ी समय के बाद में बनते हैं, और ऐसे योग जब बनते हैं तो कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। तो बहुत ही अच्छा साल में बहुत ही अच्छा योग बना है, तो 2 महीने इन राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं, जिनकी जानकारी मैं दे रहा हूँ। साथ ही एकादशी के दिन आप पूजन जरूर करें, दान पुण्य करें, व्रत रखें। पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा जरूर करें, और पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला की परिक्रमा करें, केले वृक्ष के नीचे दीपक जरूर जलाएँ। साथ ही भगवान शिव का अभिषेक करें, बेलपत्र, गेहूँ, चावल के दाने शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएँ, इससे बहुत ही अच्छे योग बनेंगे। और दान पुण्य करें, गौ माता का पूजन करें, गौ माता की पूजा जरूर करें, इससे आपकी किस्मत बदलेगी और जो भी परेशानियां दिक्कतें आ रही हैं वह आपकी दूर होंगी। तो 7-7 ग्रह, अब आप अंदाज लगा लीजिए, 7-7 ग्रह इतनी शुभ स्थिति में, तो लगभग 10 राशियां भाग्यशाली रहने वाली हैं। बहुत ही अच्छे योग हैं। मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, आपकी तुला राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, 10 राशियां हैं जो इनके द्वारा लाभांवित हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 महीने लगातार ये 10 राशियां बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली रहने वाली हैं। कुछ चीज़ों में परेशानी भी आएंगी आपको, कुछ चीज़ों में रुकावटें भी आप देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर कार्यों में आपको सफलता ही मिलेगी। ज़्यादातर कार्यों में आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी और आने वाला समय आपके लिए बेहद ही शुभ रहेगा। तो आने वाले समय में आपको विशेष लाभ मिलेंगे, आपकी मनोकामना पूरी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। महाकाल आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे, जीवन में आ रही सारी कष्ट और परेशानियां दूर होंगी। ओम नमः शिवाय।